हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है एक और नए धमाकेदार वीडियो में। वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें। अगर आप अभी भी पाप कर रहे हो, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड रख रहे हो, बना रहे हो, तो छोड़ दो और बंद कर दो। परमेश्वर के मंदिर को नष्ट मत करो, वरना परमेश्वर आपको नष्ट करके रख देगा। और अंत का दिन चल रहा है और समय कम है और दिन बुरे हैं, क्योंकि पाप करके व्यभिचार करके अपने प्राणों को नाश करना चाहते हो। भैया थोड़ा समझा और अनंत काल की सजा दी जाएगी, बहुत तड़पाया जाएगा उस अनंत काल की आग में। अभी मौका है, समझ जाओ, छोड़ दो, वहाँ अनंत काल की सजा दी जाएगी। जरा सोचो, अगर यीशु मसीह आ जाए और आप इसी तरह पाप कर रहे हो तो यीशु मसीह आपको स्वर्ग नहीं ले जाएगा। बस एक ही बार चांस दिया जाएगा स्वर्ग आने का। जो लोग स्वर्ग नहीं जा पाएंगे उनके लिए कोई आस की किरण नजर नहीं आएगी, वे लोग बिन चराहों की भेड़े बन जाएंगे। जो लोग स्वर्ग नहीं जा पाएंगे वे लोग चिंताओं से मर जाएंगे, मगर स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। मसीहियों का उठा लिया जाना या क्षण भर में होगा, पलक मारते ही होगा सब हो, या पलक मारते ही सब होगा, एक भी सेकंड नहीं लगेगा। जो लोग स्वर्ग नहीं जा पाएंगे कुछ ना कुछ पाप करके यहाँ पर रह जाएंगे, उनके ऊपर दुनिया भर की आफतें टूटना शुरू हो जाएंगी, जैसे प्रकाशित वाक्य 16:8 में लिखा हुआ है। और चौथे ने अपना कटोरा सूर्य पर उंडेल दिया और उसे मनुष्यों को आग से झुलसा देने का अधिकार दिया गया, और मनुष्य बड़ी तपन से झुलस गए, और परमेश्वर के नाम की जिसे इन सब विपत्तियों पर अधिकार है उसकी निंदा की और उसकी महिमा करने के लिए मन न फिराया। जब परमेश्वर अपने चौथे स्वर्गदूत को यह आज्ञा देगा कि जा अपना कटोरा सूर्य पर उंडेल दे, ताकि जो मनुष्य यहाँ पर गलती से रह गए हैं उनको मेरे क्रोध का पता तो चले। जरा सोचो, जब परमेश्वर इस सूरज को एक आग का गोला बना कर रख देगा, इतनी हार्ड तपन रोशनी फेंकेगा कि मनुष्यों की चमड़ियाँ जिंदा ही झुलस जाएंगी, उनकी चमड़ियाँ जिंदा ही सिकुड़ जाएंगी, बहुत तड़पाया जाएगा और मौत मांगोगे और मौत भी नहीं आएगी, बहुत तड़पाया जाएगा इस पृथ्वी पर। गलती से भी यहाँ मत रह जाना, नाटकबाजी बंद करो और सीधा लाइन पे आ जाइए। जीवते परमेश्वर के हाथ में पड़ना एक अच्छी बात नहीं, बहुत भयानक बात है। मजाक मस्ती अपनी जगह, मैं आपको कोई कहानी नहीं सुना रहा हूँ, जो होगा और जो होने वाला है वही आपको बताया जा रहा है। 7 मोहरें खोली जाएंगी, 7 तुरहियाँ फूकी जाएंगी और 7 कटोरे उंडेले जाएंगे उस 7 वर्ष में, जैसे प्रकाशित वाक्य 6:8 में लिखा हुआ है। और मैंने दृष्टि की मैंने कौन होना ने, और देखो एक पीला सा घोड़ा है और उसके सवार का नाम मृत्यु है, और अधोलोक उसके पीछे पीछे है, और उन्हें पृथ्वी की एक चौथाई पर यह अधिकार दिया गया कि तलवार और अकाल और मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाले। जब चौथी मोहर खोली जाएगी तब यह सब होगा, उस समय परमेश्वर का कहर बरसेगा इस पृथ्वी पर। मसीह विरोधी के दिन में तलवार से मारे जाओगे, अकाल भूख किसके मारे, और परमेश्वर ऐसी बीमारियां के ऊपर भेज देगा कि जिसका कोई इलाज नहीं होगा, और परमेश्वर जानवरों के अंदर एक ऐसी बुद्धि बैठा देगा कि वे मनुष्यों को फाड़ना नोचना शुरू कर देंगे, जानवर फाड़ नोच कर खाएंगे और लोगों को मार डालेंगे। इसलिए पाप छोड़ दो और यीशु मसीह के पास लौट आओ, यीशु के साथ स्वर्ग जरूर चले जाना, क्योंकि जो मनुष्य यहाँ पर रह जाएंगे उनका बहुत बुरा हाल होगा। इसलिए यीशु मसीह जल्दी नहीं आ रहा है, क्योंकि यीशु मसीह नहीं चाहता है कि कोई भी प्राणी नाश हो, और इसका फायदा आप मत उठाना कि यीशु मसीह अभी नहीं आएगा, क्योंकि प्रभु के यहाँ एक वर्ष एक दिन के बराबर है। इसलिए मैं पाप के ऊपर ज़्यादा वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि आप पाप के जरिए ही नरक में जाओगे, क्योंकि पाप परमेश्वर को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आई होप, आशा करता हूँ छोटा सा संदेश आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को दबा के शेयर करें अपने मसीह भाई बहनों के पास, परमेश्वर के लिए आप आत्माएं बचा सकते हैं। तब तक के लिए आप सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की।